तो लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियस चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी तक कराया था, और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं न्यूक्लियस का वो मैंने आपको बताया था। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक डिस्कस किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस देखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज, न्यूक्लियर रेडियस इट इज डिफाइंड एज, न्यूक्लियर रेडियस इट इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इट इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3, क्लियर। और आर नॉट की वैल्यू यहां पे होती है बच्चों, वेयर आर नॉट इज 1.2 फर्मी। फर्मी में कितना होता है? फर्मी में होता है 10^-15, 10^-15 मीटर। ये न्यूक्लियर रेडियस का फार्मूला है आर नॉट ए पावर 1/3, क्लियर। न्यूक्लियर रेडियस का ये फार्मूला है, आर नॉट की ये वैल्यू है, इसको नोट करो। इस पर एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस की ये डेफिनेशन है, ए यहां पे एटॉमिक मास है, ए क्या है यहां पे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, ए यहां पे एटॉमिक मास है। और इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सॉल्व करिए। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 Cu 64। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 Cu 64। फॉर्मूला सामने लिखा है बच्चों, बताओ क्या आंसर होगा। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 Cu 64 ये आपको बताना है। हाँ, अगर इस फार्मूले को यूज करें तो R इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट का मतलब 1.2 10^-15 इंटू एटॉमिक मास 64 है, इसका 1/3, तो ये आ जाएगा 4.8 फर्मी। yes. यही है ना? फोर पॉइंट एट फर्मी ये न्यूक्लियर रेडियस होगा कॉपर न्यूक्लियस का। तो हम किसी भी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रेडियस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमें एटॉमिक मास मालूम है। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी देखो बेटा, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी डेंसिटी स्मॉल डी हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डेंसिटी निकालिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 27 Cu 64। फाइंड न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 27 Cu 64। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ
27 Cu64 कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो बच्चों, डेंसिटी निकालना है, मास, मास का मतलब 64 amu यानी 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4 by 3 pi r cube और r अभी कितना निकाला था न्यूक्लियस का 4.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 15 यही था ना आर क्यू। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना बच्चों आ जाएगा इससे। इसके बाद एक हेडिंग यहां पर डाल लीजिए न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फिजन FISSION न्यूक्लियर फिजन। दिस इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस into lighter nuclei of comparable masses, few neutrons, and tremendous release of energy is called nuclear fission। क्लियर? जैसे यूरेनियम न्यूक्लियस 92-235 न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक करता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और प्लस ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्यू वैल्यू कहते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू। यूरेनियम न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन के साथ बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक करता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एटम बॉम्ब का न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो एटम बम ड्रॉप किया जाता है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन ये है। इसमें जो न्यूट्रॉन है वो इन न्यूक्लियस के साथ फिर इंटरैक्ट होते हैं और ये चेन रिएक्शन ब्रेकिंग का प्रोसेस इनफिनाइट टाइम तक होता रहता है। मतलब नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसमें चेन रिएक्शन अभी तक वहां पे अपीयर होता है। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूअस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस फिजन, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। न्यूट्रॉन जनरेट होते रहेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। अब जैसे क्वेश्चन ये देगा कि कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख देगा, कहेगा उसका क्यू वैल्यू बताइए। क्यू वैल्यू का मतलब उस रिएक्शन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ये तमाम न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं कि व्हाट इज द क्यू वैल्यू। तो उसके लिए अभी मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक और टर्म में पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन।
दिस इज द फेनोमेना न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज द फेनोमेना ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर, दिस इज द फेनोमेना ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर लाइटर न्यूक्लियाई, टू आर मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस विद ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी, विद ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो बेटा, एटम बम तो न्यूक्लियर फ्यूजन के फेनोमेना पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन के फेनोमेना पे सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस फेनोमेना पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको सन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सन रिएक्शन। सन रिएक्शन में क्या होता है कि चार हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है। सन जो है वो हाइड्रोजन गैस का एक गोला है हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर क्यों जनरेट होता है? चार हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है और चार एटम के मिलने से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिलीज होती है एनर्जी। वो एनर्जी अब पूरा गैस का, वो पूरा समझ लो कि एक गोला ही है हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें तो इनफाइनाइट रिएक्शन चलते रहते हैं। इस वजह से जो है जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाई अमाउंट ऑफ उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। बात समझ में आई? यानी अगर चेन रिएक्शन, अगर सन रिएक्शन को यहाँ पे लिखे तो सन रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1H1 चार हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल करके 2HG4 एक न्यूक्लियस बनाते हैं और ये जो है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो क्यों, कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये चीज आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। कोई भी रिएक्शन लिख के दे देगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, कहेगा फाइंड द एनर्जी रिलीज या फाइंड द क्यू वैल्यू। इसको आप लिख लो, तो एक क्वेश्चन कराता हूं तब क्लियर होगा ये। हो गया ना, नोट कर लिया? लिखो बेटा, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ सन रिएक्शन, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ सन रिएक्शन इफ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज, इफ रेस्ट मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज, इफ रेस्ट मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 4.0026 0.003 AMU। ये सन रिएक्शन सामने लिखा हुआ है, प्रोटॉन है ये, 1H1 का मतलब प्रोटॉन, प्रोटियम। प्रोटॉन का रेस्ट मास मैंने आपको बताया था देखो कॉपी में प्रोटॉन का रेस्ट मास बताया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बताया हुआ है, वो आपको याद होगा। अब आपको करना क्या है इसमें कि क्यू वैल्यू निकालना है बच्चों, तो आप इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकाल दो। इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स डिफरेंस मास ऑफ, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट है इसका टोटल मास और ये जो प्रोडक्ट है इसके टोटल मास का डिफरेंस ले लो, ठीक। ये मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट आ गया तो फिर तुम्हें मालूम है कि एनर्जी रिलीज जो हो जाएगी इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर हो जाएगी। पहले आप मास डिफेक्ट निकालो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसका मास डिफेक्ट कितना है?
फाइंड आउट। प्रोटॉन का रेस्ट मास मैंने बता रखा है और हीलियम का रेस्ट मास यहां दे रखा है, क्या आंसर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकालने के लिए। कितना रेस्ट मास आया बच्चों? डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई? फोर टाइम्स ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या बताया था आपको भाई? फोर देखो यहां पे, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एच वन माइनस मास ऑफ टू एच फोर, इसको बताओ कितना आ रहा है? 1H1 का रेस्ट मास कॉपी में देखिए क्या लिखा हुआ है, वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन टू सेवन सिक्स सिक्स फाइव, यही है ना? फोर इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन टू, क्या चीज बोले? सेवन सिक्स माइनस ये प्रोटॉन का रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास हीलियम न्यूक्लियस का है, तो कितना आ गया? 4.002603 क्या रेस्ट मास आया इस न्यूक्लियर रिएक्ट, इस न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट कितना आया? सब्ट्रैक्ट करके बताओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स फोर सेवन सेवन, सबका यही आ रहा है। दिस मच AMU मास डिफेक्ट है इस न्यूक्लियर रिएक्शन का, दिस मच AMU यही आ रहा है ना? ओके अब देखो बच्चों, आपको क्यू वैल्यू निकालना है इस न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो क्यू वैल्यू के लिए क्या करना होगा? क्यू वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि जितना मास डिफेक्ट आए उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर दो, बताया था ये? मास डिफेक्ट जितना AMU आएगा उसमें 931 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक AMU 931 MeV के बराबर होता है, ये मैंने प्रूफ कराया था। तो इसमें 0.026477 इंटू 2 इंटू 931 MeV मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये आंसर आ जाएगा इस रिएक्शन का। क्यू वैल्यू आ जाएगा लगभग 26 MeV के आसपास आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो मेरे समझ से 26 MeV आएगा, 24.65 सबका यही आ रहा है। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करिए 24 कितना? 24.65 MeV। इतनी एनर्जी रिलीज होती है कब? जब चार हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, चार हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब सोच लो कितनी हाई एनर्जी चार हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनती है, एक हीलियम न्यूक्लियस बनने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो सन में तो ये रिएक्शन इनफाइनाइट उसमें चल रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं सनरेज के फॉर्म में, करते हैं ना? वो एनर्जी कहां से आती है? यही एनर्जी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दे देगा उसका क्यू वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, मेथड यही है। मास डिफेक्ट निकाल लो, रिएक्टेंट का मास,
प्रोडक्ट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, मास डिफेक्ट आ गया, 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है क्यू वैल्यू आ जाएगा रिएक्शन का। मेथड समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर? सो मेनी क्वेश्चन आस्क ऑफ दिस टाइप, तो कर लेंगे, तरीका यही है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस कंप्लीट होता है।